Dear student, in previous lecture we have discussed the basics of interference, in which we have discussed the types of interference, then about the coherent sources, and we also discussed the Young double slit experiment and the effect of liquid when it is immersed in liquid. Okay, now today we are going to discuss some new topics which are new to you, and they are basic topics for interference, to understand the interference, like we having Newton's ring, particularly in engineering physics. So to, and it is a one of the important practical also. So agar hame Newton's ring experiment ko samajhna hai, to Newton's ring experiment ke liye hame thin film ko samajhna aur interference ko samajhna bahut zaruri hai. To aaj ke topics mein jo hum cover karenge, unme hame सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास रहेगा थिन फिल्म. उसके बाद हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन थिन फिल्म, इंटरफेरेंस ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट, एंड आल्सो वी विल डिस्कस द वेज शेप्ड फिल्म. तो अगर हम बात करें यहाँ पर थिन फिल्म क्या है, ठीक है, डेली लाइफ में हमारे पास, हम अपने आसपास बहुत सारी फिल्म हमें दिखाई देती हैं. सपोज मैं अगर बात करूं, जो हमारे पास बुक्स के कवर में लैमिनेशन सीट्स होती हैं वो भी थिन फिल्म है. जो टेम्पर्ड ग्लास आपकी मोबाइल स्क्रीन्स पर लगता है वो भी एक थिन फिल्म की तरह बिहेव करता है. ओके, लेकिन क्या हम वाकई उन्हें थिन फिल्म कह सकते हैं? वो हमारे रिस्पेक्ट में तो थिन फिल्म है, लेकिन जो हम इंटरफेरेंस में थिन फिल्म पढ़ने वाले हैं, क्या ये वाकई वो थिन फिल्म है या नहीं? तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है, हम जो डील कर रहे हैं, हम उन डायमेंशंस में डील कर रहे हैं जो आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर की हो. तो स्पेशली यहाँ पर जो हम थिन फिल्म को डिफाइन करते हैं, हम उन लेयर्स को कहते हैं जिनकी जो थिकनेस है वो किस रेंज में आपकी होनी चाहिए. वो आपकी होनी चाहिए 1 to 100 नैनोमीटर. तो बच्चों हमें याद रखना है जो थिकनेस ऑफ फिल्म है, इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 100 to 1 नैनोमीटर. ओके, आइदर इट मे बी 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर, देन ओनली वी से इट थिन फिल्म. एंड यहाँ पर जो थिन फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके, द फिल्म थिकनेस इज कॉन्स्टेंट इन होल फिल्म फ्रॉम वन एंड टू अनदर फिल्म. तो इस केस में इस फिल्म को क्या बोलते हैं? पैरेलल थिन फिल्म. पैरेलल थिन फिल्म क्या होती है आपका? जिसमें दो एंड्स, जो आपके दो सरफेस एंड्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्या हों? पैरेलल. देखो ये यहाँ पर हमारे पास दो इसके सरफेस हैं, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, और ये दोनों सरफेस की थिकनेस हमेशा क्या रहने वाली है? कॉन्स्टेंट. ओके, सो दैट मींस ये दो लेयर्स आपकी क्या हैं? पैरेलल हैं. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट पैरेलल थिन फिल्म. और इसकी थिकनेस हमेशा क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट. और इसकी जो थिकनेस है ये कितनी होनी चाहिए? It should be of the order of wavelength of light, or we can say 1 nanometer to 100 nanometer. Okay, students. तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है, जो हम यहाँ पर इंटरफेरेंस डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. अभी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है, कैसे होता है, इसको अब हम देखेंगे. जो हमारा अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं आपका दैट मींस द इंटरफेरेंस ड्यू टू अ थिन फिल्म. अभी थिन फिल्म हमने डिफाइन कर ली है, थिन फिल्म हमारे पास क्या होती है. अगर मैं थिन फिल्म का एग्जांपल आपको दूं, तो हम ये देख सकते हैं जो सोप बबल्स, सभी ने देखे हुए हैं, जो सोप बबल्स होते हैं उनमें हमें एक कलर पैटर्न उनके सरफेस में दिखाई देता है. ठीक है, जो वो उनके सरफेस में हमें कलर पैटर्न दिखाई देता है, ये कलर पैटर्न किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस. एंड विच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है, और जो आप 10+2 में पढ़ के आए हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो थिन फिल्म को डिस्कस करना है. कैसे? उसमें हम एक डेरिवेशन लेकर आएंगे पाथ डिफरेंस के लिए, ये हमें देखना है क्या क्या कंडीशंस और हमें लेकर आनी है मैक्सिमा मिनिमा के लिए. तो सारे डेरिवेशन हमने करना है, और दूसरा हमें ये याद रखना है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ये आप देखो 2015-16 में, 18-19 में आया हुआ डेरिवेशन है, और ये आने के हमेशा चांस रहते हैं. दूसरी बात ये है, ये डेरिवेशन हमें याद अच्छी तरीके से आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये डेरिवेशन में हमारी कमांड अच्छी है
तो इंटरफेरेंस चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बच्चों, ठीक है। इंटरफेरेंस समझना हमारे लिए बहुत ही आसान है। अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे तो ये मान के चलो आपको इंटरफेरेंस अच्छे से आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम बहुत डिटेल में इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से इसके डेरिवेशंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी क्वेश्चन किस तरीके से दो बार हमसे पूछा गया है, डिस्कस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड इट इज ऑल्सो आस्क्ड एज डिस्कस द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू द थिन फिल्म एंड फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा शो दैट द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन थिन फिल्म। अभी क्या है, क्या इसमें पूछा गया, ये तब हमें पता लगेगा जब हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लें। ओके, तो हम आते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट पे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये हमारी एक थिन फिल्म बनी हुई है। अब इस थिन फिल्म में क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना। इस थिन फिल्म में एयर है, एयर से आपकी लाइट बीम आ रही है इस पॉइंट पी से। इस पॉइंट पी से ये लाइट बीम आके इसने कहाँ हिट करा, इस पॉइंट क्यू में। देखो इस पूरा जो हमारे पास जो ये डेरिवेशन है, इसमें सारा का सारा पार्ट ही ज्योमेट्री का है। अगर आपने ज्योमेट्री समझ ली तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में स्पेशली हमने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इस डायग्राम को हमें अच्छे से समझना है और हमारा डेरिवेशन आसानी से होता चला जाएगा। हमें ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज़ करते चले जानी है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम इसे सॉल्व करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट पी, ये लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट बीम हमारी इंसिडेंट हो रही है एट पॉइंट क्यू। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास थिन फिल्म है जिसका एक ये अपर सरफेस है और ये क्या है, लोअर सरफेस। तो जब आपकी लाइट आई, इसने अपर सरफेस को हिट करा पॉइंट क्यू पे। उसके बाद देखो, जब भी ये इसे हिट करेगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म है, तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा अलोंग क्यू आर और दूसरा पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा अलोंग क्यू एस। ओके बच्चों, अब जो ये पार्ट ट्रांसमिट हुआ है क्यू एस, ये लोअर सरफेस को हिट करेगा एट पॉइंट एस। ओके, तो इस पॉइंट एस से अगेन दो फिनोमिनाज होंगे, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा अलोंग टी और रेस्ट ऑफ द पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा आपका अलोंग एस वी। और ये फिनोमिना कंटिन्यू होगा इस पॉइंट टी पे, फिर से आपके यहाँ पर फिर से कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा अलोंग टी यू, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगा अलोंग टी, अगर मैं से क्या बोल दूँ जेड, फिर से इस पॉइंट जेड पे ये फिनोमिना रिपीट होगा और यहाँ से कुछ बीम्स आपकी कहाँ निकल जाएंगी बाहर, कुछ पार्ट इसका कहाँ हो जाएगा रिफ्लेक्ट बैक। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम्स क्रिएट होते हैं। एक पहला सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड सिस्टम। देखो ये जो दो रेज हमारे पास आ रही हैं क्यू आर एंड टी यू, ये क्या जनरेट कर रही हैं, दे आर जनरेटिंग द रिफ्लेक्टेड सिस्टम एंड द रे दैट आर इमर्जिंग और कमिंग आउट फ्रॉम पॉइंट एस एंड जेड, दे आर क्रिएटिंग ट्रांसमिटेड सिस्टम। ओके, क्योंकि यहाँ से हम जो दूसरी साइड से देखेंगे, दैट मीन्स हम किसे देख रहे हैं, ट्रांसमिटेड सिस्टम को। तो ये दो सिस्टम्स हमारे पास बन के तैयार हैं, एक रिफ्लेक्टेड सिस्टम और ट्रांसमिटेड सिस्टम। अब हम दोनों ही सिस्टम में इंटरफेरेंस पैटर्न को देखेंगे। पहले हम ट्रांसमिटेड सिस्टम में ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम किस में करेंगे, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में। तो ये ज्योमेट्री ये हमने पहले देखा, ये बेसिक डायग्राम कैसे बना हुआ। अब बच्चों हमें बात करनी है पहले रिफ्लेक्टेड सिस्टम की। अब देखते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कौन कौन सी रेज हमारे पास हैं, क्यू आर एंड टी यू, ठीक है। क्यू आर एंड टी यू ये दो रेज हमारे पास हैं। अब इन दोनों रेज के बीच का हमें क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, क्यू आर पे टी एन क्या कर देते हैं, आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। बिल्कुल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह है, जहाँ हम क्या करते थे, दो लाइट सोर्स हमारे पास रहते थे एस वन और एस टू, दोनों से बीम्स निकलती थी इस तरीके से, और हमें इनके बीच का क्या निकालना होता था, पाथ डिफरेंस। तो हम क्या करते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। तो बच्चों सिमिलरली यहाँ भी ये है, क्यू से हमारी एक बीम निकली, एक सोर्स हो गया, टी से दूसरी बीम निकली। अब दोनों के बीच में कुछ क्या आया, पाथ डिफरेंस, जो हम क्या करते हैं टी एन एक परपेंडिकुलर इसमें क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर एंगल सेट करेंगे। देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये कितना है आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर, विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री दिस एंगल इज ऑल्सो आर, ये एंगल भी आर हो गया, और जो एंगल क्यू टी एन ये भी कितना आ जाएगा ज्योमेट्री से, ये कितना आ जाता है, स्मॉल आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। और जो थिकनेस है फिल्म की वो हमने कितनी ली है, स्मॉल टी। थिकनेस कितनी है फिल्म की, स्मॉल टी, और आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का, वी हैव टेकन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। हमने कहा कि ये कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है म्यू, कोई भी मटेरियल की थिन फिल्म हमारी हो सकती है।
तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया, ये डायग्राम हमें क्लियर होना चाहिए। पी से लाइट बीम आ रही है, क्यू पे इंसिडेंट होके कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसमिटेड हो रहा है, और ये प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स हमारे पास हुई और हमें दो सिस्टम्स मिले, एक रिफ्लेक्टेड और दूसरा ट्रांसमिटेड। अब इन दोनों सिस्टम्स को हमने ऑब्जर्व करना है, तो पहले हम किसको देखेंगे, रिफ्लेक्टेड सिस्टम को। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर एक और जूम में हमें ये डायग्राम दिखाई दे रहा है जो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब इसकी मैथमेटिक्स में हम जाएंगे, और ये मैथमेटिक्स सारी की सारी हम कहाँ से लेकर आएंगे, ये मैथमेटिक्स हम लेकर आएंगे आपकी इस ज्योमेट्रिकल डायग्राम से। ओके, तो चलो अब हम बात करेंगे क्यू आर और टी यू के बीच के पार्ट डिफरेंस। अब देखो बच्चों, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस हम कैसे लेकर आएंगे। अब जो हमारे पास रे क्यू से निकली है, ठीक है, वो एक तो चले गई आपकी आर की तरफ, तो ये रे अपना एक एयर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और उसी टाइम पे दूसरी बीम कहाँ ट्रेवल कर रही है आपका, विद इन द मीडियम। अब ये बीम आपकी एयर में ट्रेवल करते चले जा रही है, और दूसरी बीम जो ट्रांसमिट हो गई वो एस पे आई, फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई, और उसके बाद ये क्या हुई, यहाँ से बाहर आ गई। तो अब हमने क्या देखा कि जब आपकी जो रे ट्रांसमिट हुई थी क्यू से एस और फिर एस से टी, इसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, एस से लेके क्यू एस प्लस एस टी विद इन द मीडियम, और इतनी ही देर में आपकी जो रे रिफ्लेक्ट हुई थी अलॉन्ग क्यू आर, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, क्यू एन। ओके बच्चों, तो इसका मतलब एक रे ने तो डिस्टेंस ट्रेवल करी क्यू एस प्लस एस टी, दूसरी ने कितनी, इतने ही टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी, क्यू एन। अब इनके बीच का हमें क्या लेकर आना है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब इस पार्ट डिफरेंस को हम लेकर आएंगे, कैसे वो पार्ट डिफरेंस होगा बच्चों, देखो आप, डेल्टा इक्वल्स टू पाथ क्यू एस प्लस एस टी इन मीडियम माइनस पाथ क्यू एन इन एयर। ठीक है, अब जो क्यू एस प्लस एस टी पाथ हमारे पास है, ये कहाँ पर है, मीडियम में, और दूसरा जो क्यू एन पाथ है वो एयर में है। लेकिन हमें हमेशा जब भी हम सॉल्व करते हैं ऑप्टिक्स में, हम जो पाथ होता है वो एक के रिस्पेक्ट में लेकर आएंगे, या तो हम पूरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में या एयर, और नॉर्मली हम एयर के रिस्पेक्ट में ही टोटल पाथ को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो मीडियम में आपका पाथ है क्यू एस प्लस एस टी, इसे हम एयर के रिस्पेक्ट में जब लेकर आए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, म्यू। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10+2 में, हमें ये चीज़ पता है, दैट इज द पाथ ट्रेवल्ड इन एयर इक्वल्स टू द पाथ ट्रेवल्ड इन मीडियम इन टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो दिस बिकम्स म्यू क्यू एस प्लस एस टी माइनस क्यू एन। अब बच्चों, ये क्यू एस एस टी और क्यू एन की वैल्यूज हमें इस फिगर से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, हम पहले फाइंड आउट करेंगे क्यू एस एंड एस टी की वैल्यू। अब इसके लिए हम लेते हैं ये जो ट्राइंगल हमारे पास आएगा, ट्राइंगल क्यू एस ओ। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ये ट्राइंगल हमें, इट्स क्यू एस ओ। ये जो क्यू एस ओ ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं कॉस आर की बात करूँ तो कॉस आर कितना आएगा, एस ओ अपॉन क्यू एस, एस ओ अपॉन क्यू एस। समझ में आया बच्चों, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और एस ओ की वैल्यू कितनी है, अगर एस ओ की बात मैं करूं, एस ओ कितना है हमारे पास, इट्स टी, देखो थिकनेस ऑफ फिल्म, तो एस ओ की वैल्यू कितनी हो गई, टी। तो कॉस आर इक्वल्स टू कितना आ गया, टी अपॉन क्यू एस, तो यहाँ से क्यू एस इक्वल्स टू कितना आ गया, टी अपॉन कॉस आर। ठीक है, तो क्यू एस इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, टी अपॉन कॉस आर। और अगर हम ज्योमेट्री से देखें तो जितनी क्यू एस की वैल्यू आएगी उतनी ही किसकी आएगी, एस टी की। सिमिलर, हम सिमिलर ट्राइंगल्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ जब हम ट्राइंगल एस ओ टी लेते हैं तब भी सेम चीज़ हमारे पास रहने वाली है, तो एस टी की वैल्यू भी कितनी आ जाती है, टी अपॉन कॉस आर। ठीक हो गया बच्चों, तो क्यू एस और एस टी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, वो कितनी है, टी अपॉन कॉस आर, और एस टी की वैल्यू भी कितनी है, टी अपॉन कॉस आर। ठीक, बहुत आसानी से हमें मिल गया। अब थोड़ा हमें एफर्ट लगाना है इस क्यू एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने। ठीक है, तो भी क्यू एन की वैल्यू कैसे लाएंगे, डायरेक्टली हमें पता नहीं होगी, पहले हम इसे साइन आई के टर्म्स में लेकर आएंगे, क्योंकि हम इसे क्यू टी के टर्म्स में लेकर आएंगे, फिर क्यू टी को किसके टर्म्स में लेकर आएंगे, टी और आपका म्यू जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसके रिस्पेक्ट। तो पहले क्यू एन अगर हम देखें इस ट्राइंगल क्यू एन टी में, तो क्यू एन इक्वल्स टू साइन आई इक्वल्स टू क्या है, क्यू एन अपॉन क्यू टी, क्यू एन अपॉन क्यू टी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्यू एन इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, क्यू ओ प्लस ओ टी इंटू साइन आई। ठीक हो गया बच्चों, और यहाँ पर क्यू ओ और ओ टी, क्यू ओ प्लस ओ टी, ये हमें कौन से ट्राइंगल से मिल जाएगा, फिर से हम क्यू एस ओ ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, क्यू टी एस ओ ट्राइंगल।
ठीक है। तो यहां पर जो हमें क्यू प्लस ओ टी साइन आई, ठीक है, अब हमने इसकी बात करनी है क्यू कैसे लेकर आना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्यू एन की वैल्यू इस इक्वेशन में डायरेक्टली इन्होंने रख दी है, दैट इज क्यू प्लस ओ टी साइन आई, और क्यू एस प्लस एस टी अभी हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में निकाला था वो कितना था, टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर। तो ये कितना हो गया आपके, फर्स्ट टर्म हो गई टू म्यू टी कॉस आर, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर, और जो सेकेंड टर्म है माइनस क्यू प्लस ओ टी इंटू साइन आई, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर अगर हम टेन आर लगाएं इस ट्राइंगल क्यू एस ओ में, टेन आर लगाएं तो टेन आर इक्वल टू कितना आ गया, क्यू प्लस क्यू अपॉन ओ सी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज क्यू अपॉन ओ, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए क्या परपेंडिकुलर, क्यू अपॉन बेस ओ एस, तो यहाँ से क्यू अपॉन ओ एस, दैट इज क्यू इक्वल टू ओ एस टेन आर, तो यहाँ से टेन आर इक्वल टू, इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल में भी हमने लगाया, तो इसका मतलब हमें पता था क्यू और ओ टी दोनों की वैल्यू कितनी आ जानी है, क्यू प्लस ओ टी दोनों की वैल्यू ही कितनी आ जानी है, ओ एस टेन आर। और ओ एस की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, ओ एस की वैल्यू है टी, ये जो ओ एस है ये ओ एस कितना है टी, तो ये कितना हो जाएगा टी टेन आर, और ये भी कितना हो जाएगा टी टेन आर, ठीक हो गया बच्चों। तो टी टेन आर ये भी कितना हो गया टी टेन आर, तो ये वैल्यूज हमने कहाँ रखी आपका, फिर से जो इक्वेशन हमने कौन सी लिखी थी, इक्वेशन नंबर 5, क्यू आर ओ टी की वैल्यू हमने कितनी रख दी, ओ एस टेन आर, और ये क्या हुआ आपका टी टेन आर, ये भी टी टेन आर, तो ये कितना हो गया टू टी टेन आर। अब यहाँ पर एक और काम करेंगे बच्चों, स्नेल्स लॉ हम लगाते हैं साइन आई को रिप्लेस करेंगे, तो स्नेल्स लॉ से हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, तो साइन आई इक्वल्स टू कितना हो गया म्यू साइन आर, तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया टू म्यू टी अपॉन कॉस आर माइनस टू म्यू टी टेन आर, ठीक हो गया। देखो यहाँ पर ये टी टू टी टेन आर था, यहाँ पर साइन आई था, साइन आई की जगह म्यू साइन आर रखा, तो हमने देखो यहाँ पर म्यू किसके साथ दे दिया टेन आर के साथ, और इसे क्या लिख दिया साइन आर। अब देखो टेन आर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर अपॉन कॉस आर, ठीक है बच्चों, साइन आर अपॉन कॉस आर, और अगर हम यहाँ देखें ये क्या बनेगा आपका टू म्यू टी साइन स्क्वायर आर अपॉन कॉस आर। तो बच्चों यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो टू म्यू टी अपॉन कॉस आर है ये दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर, तो ये कॉमन आ जाएगा, पहली वाली टर्म में बचेगा वन माइनस दूसरी टर्म में कितना बचेगा साइन स्क्वायर आर, तो कितना बचा टू म्यू टी कॉस आर अपॉन एक ब्रैकेट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर आर, और वन माइनस साइन स्क्वायर आर हमें पता है ये क्या होता है कॉस स्क्वायर आर, तो यानी कॉस स्क्वायर आर ऊपर आया, ए कॉस आर नीचे है, तो कॉस आर से कॉस आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा केवल एक कॉस आर, और टू म्यू टी हमारे पास आया था। तो ये डेल्टा है हमारे पास दो बीम्स जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं इनके बीच का पाथ डिफरेंस, ठीक हो गया बच्चों। तो हमें यहां तक का काम पहले समझना है, जो पाथ डिफरेंस हम लेकर आए रिफ्लेक्टेड सिस्टम में क्यू आर और टी यू के बीच का, अब इससे आगे का काम हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे।